सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है जलंधर की तस्वीरें हैं। जलंधर के पक्का बाग के इलाके में आप देख सकते हैं किस तरीके से गलियों में औरतों का हुजूम उमड़ आया है। हालांकि इस पूरे मामले में जब हमने जानकारी जुटानी शुरू की तो पता लगा कि यहां पर कनक बट रही थी। एक तरफ कई औरतें खड़ी थी, दूसरी तरफ मर्द। मगर लॉकडाउन के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का जहां ख्याल रखना चाहिए और सरकार की हिदायतों को मानना चाहिए, वहां पर ऐसी हिदायतों की धज्जियां उड़ाई देखी गई। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरीके से लोग यहां पर उमड़ाए हैं। एक ही गली में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, कई लोगों के मुंह पर मास्क भी नहीं है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए हैं। यह जानकारी हमें एक जागरूक दर्शक द्वारा दी गई है। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से जलंधर के ही बारगो कैंप में इसी तरीके से लंबे लाइन लगाई गई है। हालांकि कनक डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। यह वार्ड नंबर 50 है जहां पर काउंसलर शरी चड्डा अपने स्वभाव के कारण इस वक्त जाने जाते हैं कि किस तरीके से वह गरीबों की मदद कर रहे थे। मगर जब यहां पर देखा गया कि कनक मिल रही थी तो लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ाया। हालांकि अब देखना यह है कि कोरोना ज्यादा बड़ा है या लोगों का पेट, और सरकार इस तरफ क्या कदम उठाएगी, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि सरकार की नाकामियां लॉकडाउन 4 में खुलकर सामने आ गई है। जालंधर से ईशान जुनेजा की रिपोर्ट। फोटो वीडियो बन दी है, वीडियो डिस्टेंस देखो जी, कितना ज्यादा डिस्टेंस है। इतने कोई सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं देख सकते हो। कनक वटदे पे आ, डिस्टेंस देखो जी, ना कोई सर्कल है। परची सर्कल भी नहीं गए पैर अज, देखो आया। बारगो कैंप में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए लोग।